प्रदेशनी आरबीआर फिल्म समय सह भवनी पटनारू कहुचे आज मुई अच्छा रायपुर रा ऊर्जा पार्क रे तो मैं ऊर्जा पार्क रे काणा करचु आज इटा तो गुडे बढ़िया कथा बाय द वे आज हमें गुडे स्टार संगरे गुडे एक्ट्रेस गुडे अभिनेत्री संगरे भेटवा के आछु अभिनेत्री केनोटा छत्तीसगढ़ आछु तो छत्तीसगढ़ अभिनेत्री टांग भेटबो ना बट से अभिनेत्री रो खासम खास जिनसो काणा कहबे से हमर बहुत गुडा ओडिया एल्बम्स माने भी करिचन चलो बैठवा सेटा किए आसन भेट मा से बढ़िया अभिनेत्री के वैष्णवी नमस्कार। तो व्यूअर्स आसो आमे जानमा वैष्णवी सहित तो अमर ओलीवुड की ओडी इंडस्ट्री रो कांड लेन देन आ वैष्णवी वैसे तो आपको छत्तीसगढ़ में बहुत लोग जानते हैं पर अपने ओडिया व्यूअर्स हमारे कलांडी संबलपुर बलांगी इन सब के लिए अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दीजिए ना प्लीज। जी हाँ उड़िया से तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और उड़िया भाषा भी आती है मुझे एल्बम भी किया है मैंने उड़िया में और अभी मैं सिंगिंग की तैयारी भी कर रही हूँ उड़िया में बहुत जल्दी गाने वाली हूँ तो बहुत प्यार है मुझे उड़ीसा से और जाती भी रहती हूँ। तो जेंती से कहले कि ओडिया एल्बम मैंने भी करी चन आउ ओडिया सिंगिंग भी करसन सिखु चन भी ऑफर भी आछे तो वैष्णवी आपने एल्बम्स किए हैं ये तो ठीक है पर ये सिंगिंग कहाँ से आ गया? सिंगिंग कहीं भी जब शूटिंग चलती है तो मेरी आदत है लिपसिंग करने की तो लिपसिंग करती ही रहती हूँ तो अचानक कोई सर है उन्होंने देखा और बोले कि आप सिंगिंग करती हैं मैंने बोला नहीं सर मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ फिर उन्होंने बोला नहीं आप गाइए तो फिर उन्होंने पप्पू यादव जी करके एक सर हैं सिंगर हैं उन्होंने मुझे फर्स्ट चांस दिया तो मैंने पहला एल्बम भी किया है सीजी में और अभी उड़िया करने वाली हूँ। ओके तो वैष्णवी आपका जो एल्बम कैसे यहाँ छत्तीसगढ़ लाइन का थोड़ा सा शॉर्टकट में आप बता सकते हैं कि कैसे आपने ओडिया इंडस्ट्री में एंट्री किया फिर यहाँ आके स्ट्रगल किया? डांसिंग का मुझे सबसे ज़्यादा शौक है बचपन से ही डांसिंग का शौक और वेस्टर्न कंटेम्प्री फ्री स्टाइल फोक डांस सब कुछ करती हूँ उसके अलावा मैंने स्टंट भी सीखा हुआ है तो ये सब करते करते मैंने सबसे पहले मंच लिया सीजी में छत्तीसगढ़ी में तो छत्तीसगढ़ी मंच करते करते मुझे एल्बम के ऑफ़र आए एल्बम के ऑफ़र आने लगे फिर एल्बम किया और सीजी मूवी के ऑफ़र भी आने लगे फिर मूवी भी मैंने साइन की और उसके बाद एल्बम उड़ीसा में देखा गया मेरा तब उन्होंने कहा कि उड़ीसा से कि ऑफ़र आया कि उड़िया भी एल्बम आप करिए तो वैसे भी तो मैं बहुत शौकीन हूँ उड़ीसा से बहुत जुड़ी हुई हूँ तो फिर हाँ बोल दिया और फिर वहाँ के भी एल्बम शुरू कर दिए। तो आपने बोला कि उड़ीसा में भी बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं पहले तो उड़ीसा में आपका कोई फेवरेट डायरेक्टर है? उड़ीसा में मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर तो आरबीआई फिल्म्स के ही हैं रमेश साहू जी और मैं आशा करती हूँ कि आगे उनके प्रोजेक्ट्स भी करूँ बहुत फेवरेट है वो मेरे और उनका चैनल मैं देखती रहती हूँ। ओके आप अगर चैनल देखती हो तो रमेश साहू जी को चैनल के थ्रू से जानती हैं या बहुत पहले से ही जानती हैं? रमेश साहू जी को मैं बहुत पहले से जानती थी 3 साल से जानती हूँ और उनके चैनल्स भी सारे जो भी अपलोड होते हैं मैं सब कुछ देखती हूँ उनको और अभी उनसे मिलना हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो आपने अब तक छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स किया हुआ है? छत्तीसगढ़ में मैंने 100 से ज़्यादा एल्बम्स किए हैं और इसके अलावा मैंने पंजाबी
उड़िया तो की हूँ और मराठी हिंदी ये सब एल्बम भी किए हुए हैं। और मेरी 3 फिल्में रिलीज़ हो चुकी है, टूरा चाय वाला, राजू दिल वाला और मेरी लेट फिल्म दहाड़ा भी हाल ही में आई थी। उसके बाद मेरी अभी अपकमिंग मूवी है हीरो मुरगांव के और लफंटूस। ओके, तो क्या आप सिर्फ ओडिया इंडस्ट्री और छत्तीसगढ़ और मराठा में हैं या फिर बॉलीवुड में भी कुछ स्कोप है आपका? बॉलीवुड में ऑफर तो आते हैं बहुत, आगे जाने का सोच भी रही हूँ बॉलीवुड में और अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो बिल्कुल जाऊँगी। तो आमे गुटे जिनसो तो जान लो ना कि से एक्टिंग डांसिंग बहुत पसंद करसन, बट के परा कही थी लेकिन सिंगिंग ही पसंद करसन। वैष्णव भी आपको एक गाना तो सुनाना ही पड़ेगा, एक ही लाइन बस प्लीज प्लीज, कोई भी आपके लैंग्वेज में भी। मैं उड़िया में गाती हूँ, मैं अभी तो मैं मतलब परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ। ओके, हेरे मुरसो जोना मोर चुनरी उड़ी जाए, हेरे मुरसो जोना मोर चुनरी उड़ी जाए, मोर मन छन 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 लव यू कहू थाए, मोर मन छन 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 लव यू कहू थाए, आई लव यू तोते भोल पाई छी। अरे वाह वाह वाह, आई लव यू तते भल पाई छे। और वैष्णवी के भी एबी हमर सब्सक्राइबर्स को थे वैष्णवी वी लव यू तते बहुत भल पाऊ छु। तो वैष्णवी आपने आरबीआर तो देखा ही होगा हमारा, तो उसमें ज्यादातर हम दो ही लीड एंकर है शिवा और मैं, दोनों में से किसको आप बहुत ज्यादा पसंद करती है ये तो बताना ही पड़ेगा भाई आपको। आप सबसे ज्यादा तो शिवा जी आते हैं तो वो तो पसंद है ही, पर मैं सबसे पहले नारी प्रधान देना चाहूंगी। जी हाँ, अभी तो आप मुझे पसंद है, अभी हम पसंद है, बाद में शिवाजी का भी नाम ले लिया है इन्होंने। तो दोनों पसंद है, बेसिकली अच्छी बात है, भाई बहन है। वैष्णवी, अगर आपको ऑफर मिलेगा आरबीआर फिल्म्स की तरफ से, अभी हम लोग ने वेब सीरीज शुरू करने का लाइक सोचा है और शॉर्ट फिल्म्स भी बनाएंगे हम लोग, तो क्या आप करेंगी? हाँ बिल्कुल, अगर देखिए कैरेक्टर अच्छा है मेरा, मुझे अच्छा रोल मिल रहा है और सबसे बड़ी बात तो आरबीआर फिल्म से मुझे प्रोजेक्ट मिल रहा है या मिलने वाला है या मिलेगा, जो भी है मुझे बहुत खुशी होगी उनके साथ काम करके। ओके, तो अपन वेट करो ना, हमारे वेब सीरीज रहे, मे भी अपन मैडम के देखी पारे। तो व्यूअर्स, गुटे जिनसे आपन मैंने नहीं जानी थी मैं आपन के कहि दो छे, एंग्रियारो क्रूज जन क्रूज पे लेटा सेटा जें दी टाइटैनिक देखि आपन मूवी टाइटैनिक रे जन गोटे जहाज थिला ताके क्रूज कह जैसी, सेम सेट की बोर्ड रो जेंडे के लग्जरी रो जिनसो बड बड वीआईपीस मने आका जाय पर्सन, मिडिल क्लास फैमिली मन के जीवा लेके टिके इश्यूज हैसी, मॉनेटरी प्रॉब्लम हैसी, बट आरबीआर फिल्म सेटा आपन मन कर लागी पूरा सपनो के पूरा करबा, केनता करबा कि आमर सेनर एंकर हेबे शिवा नहीं मुई भी नहीं मैडम हेबे आमर एंकर सेनरटा, तो चलन सेटा आमे देखमा केनता देखमा मैडम देखेबे आमकी, तो से सपना पूरा करबा आरबीआर फिल्म्स आपन मकले कि क्रूज भितरे केनता हे से जर्नी खाइबा ए केनता मिलसी केते बजट काणा खर्च करबा के पड़सी काणा नबा के पड़वा सब देखेबे। तो एक गोटे क्वेश्चन पचरे बे मई वैष्णवी जी, ये जो आपको प्रोजेक्ट मिला है इस ये मैं क्या पूछूं आपको, लक के हिसाब से मिल गया या आपने ऑडिशंस दिया था? सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी रमेश साहू जी ने छोटा सा ऑडिशन लिया था मेरा और उसी के थ्रू उन्होंने मुझे अपने इस प्रोजेक्ट में लिया, और बड़े बड़े मॉडल्स को भी ये मौका नहीं मिल पाया, और एक लक भी कहना चाहूंगी, ये तो किस्मत अच्छी है मेरी जो उन्होंने छोटे से ऑडिशन में मुझे सेलेक्ट किया और उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
मुझे सुनने को मिला था कि वहाँ पे मुंबई से लेके हर स्टेट से मॉडल्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए मतलब इंटरव्यू दिया था, ऑडिशंस दिए थे जी। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको एक कॉल आया कि लाइक वैष्णवी छत्तीसगढ़ से आप सिलेक्टेड हो? मुझे तो बहुत खुशी हुई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया तो मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट कैसे करूं। तो फिर उन्होंने बोला कि छोटा सा ऑडिशन लेना है आपका, तो फिर उसके बाद ऑडिशन दिया मैंने और फिर फ़ोन करके बोले कि आप सेलेक्ट हैं। बहुत खुश हुई थी मैं उस दिन, और रमेश साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो फ्रेंड्स, अपन मन को लेके भी बड़े गुड न्यूज, आमर वेब सीरीज आर शॉर्ट फिल्म्स रो जेते भी प्रोजेक्ट्स अछे सेटा लागि आपन भी ऑडिशंस दे परबे। आ आपन मन को लेके आउ गुडे गुड न्यूज जे 29 अगस्त रमेश साहू जी रो बर्थडे से दिन आमे रिवील करमु कि गुडे नंबर व्हाट्सएप नंबर सेने आपन मन के गुट्टी छोटिया काम करबा के पड़वा, आपन कर गुडे क्लिप दबा के पड़वा डायलॉग डिलीवरी रो, एंड देन आपनको नंबर दबा के पड़वा ताकि आमे आपन के कांटेक्ट करी परमू। वैष्णवी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप सभी को इतना मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऑडिशन ज़रूर दें, क्या पता आपको भी कॉल आ जाए, और RBR फिल्म्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। बस थैंक यू।